नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत से प्रदेश के अन्नदाता परेशान हो रहे हैं। बारिश की बेरुखी और खाद की किल्लत ने मध्य प्रदेश में किसानों की कमर तोड़ दी है। प्रदेश में होती खाद की किल्लत पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। दिग्विजय के अनुसार भाजपा की सरकार आने से प्रदेश में खाद की कालाबाजारी बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत होने पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या कारण है कि जब जब मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार आती है तो खाद की किल्लत और कालाबाजारी होती है। उसका एकमात्र कारण है भारतीय जनता पार्टी खाद के व्यापारियों के साथ गठबंधन करके खुद ब्लैक मार्केटिंग कराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में जब जब भाजपा सरकार आती है खाद की किल्लत होती है? यूरिया, DAP और पोटैश कालाबाजारी बिकता है। उसका एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है खाद के व्यापारियों के साथ गठबंधन करके खुद ब्लैक मार्केटिंग कराती है और उससे अवैध धंधा करके पैसे कमाते हैं। 10 साल तक मेरे मुख्यमंत्री काल में हमने पूरी खाद का वितरण सहकारिता के माध्यम से हम कराते थे। मेरे साथी सुभाष यादव जी मेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कृषि विभाग के मंत्री रहे थे और उन्होंने बिल्कुल साफ कह रखा था कि हम एक बोरी भी प्राइवेट एजेंसीज को नहीं देंगे। उसके कारण कहीं कोई किल्लत नहीं आई। खाद समय पे मिलता था, एडवांस स्टॉकिंग होती थी सोसाइटी पे गोदाम में और खाद आसानी से मिल जाता था। भाजपा के राज में अब आप फिर देख रहे हैं कि किस तरह से किल्लत हो रही है। उसका कारण क्या है? ये लोग अधिकांश जो कोटा आता है केंद्र सरकार से वो प्राइवेट कंपनियों को दे देते हैं, प्राइवेट ट्रेडर को दे देते हैं और वो कालाबाजारी करते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी के राज में 80% हम लोगों ने सहकारिता के माध्यम से बिकवाई थी और 20% व्यापारियों के, उसमें भी 20% में भी लोगों ने कालाबाजारी करने का प्रयास किया। जब उन्होंने सख्ती से कार्रवाई की तो कई लोगों को उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। यदि आज मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी रोकना है तो पूरा वितरण सहकारिता के माध्यम से ही किया जाना चाहिए, निजी हाथों में नहीं देना चाहिए, तभी जाकर कालाबाजारी रोक पाएंगे। क्योंकि आज यूरिया जो है 500-550 रुपया बोरी में बिक रहा है, मिल नहीं रहा है और कई बड़े किसानों ने हत्या लिया है और वे उसकी कालाबाजारी में व्यापारी का सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कि पूर्ण वितरण खाद का सहकारिता के माध्यम से ही कराया जाना चाहिए, निजी व्यापारी द्वारा नहीं कराना चाहिए। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।